incredible. नमस्कार, आप देख रहे हैं असल एंटरटेनमेंट. मैं हूं वर्षा यादव. आइए रुक करते हैं आज की तमाम बॉलीवुड खबरों का. मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने वाली मनुषी चिल्लर अब बॉलीवुड पे दस्तक दे रही है. खबर है कि वो फराह खान की फिल्म से डेब्यू करने की तैयारी कर चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनुषी चिल्लर का बॉलीवुड फिल्मों में अदाकारी का ख्वाब अब जल्द पूरा होने वाला है. रणवीर सिंह सारा सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने भारतीय बाजार में कुल 212.43 करोड़ की कमाई कर ली है. तीसरे हफ्ते में भी फिल्म को बड़ी संख्या में दर्शक मिली है. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध कर रहे हैं. कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक थिएटर में पर्दे तक फाड़ दिए, जिसकी वजह से शो को रद्द कर दिया गया. संजीव कुमार के साथ 1978 में आई फिल्म पति पत्नी और वो का रीमेक बनने जा रहा है, जिसके लिए कार्तिक आर्यन को लीड रोल में कास्ट किया गया है. सूत्रों की माने तो कार्तिक आर्यन को फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई. मेकर्स फिल्म के प्लॉट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल फिल्म को आज के माहौल की तरह बनाया जाएगा. फिल्म की शूटिंग फरवरी में शुरू हो सकती है. 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले पर बेस्ड फिल्म होटल मुंबई का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया. फिल्म का ट्रेलर अंग्रेजी में है. ये इंडो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म है जिसे एंथनी मार्स ने डायरेक्ट किया है. महाभारत में दो फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है. ये कलयुग है, कलयुग. या लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए.